Got तो ये टॉपिक है ये और ये एक इंपॉर्टेंट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पहला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया दूसरा टॉपिक इस टॉपिक का संबंध बजटीय व्यवस्था से है और बजटीय व्यवस्था में जाएंगे तो इसमें सार्वजनिक वित्त है बजटीय व्यवस्था से संबंध है आप नाम बार बार सुनते हैं इसका जैसे कई बार हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने पूरे साल का एक एस्टीमेट जारी किया जाता है कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पैसे जाएंगे इसका तो उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित केंद्र सरकार से सरकार से संबंधित है संबंधित है इट्स रिलेटेड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट राजकोषीय नीति से विनियमित है से विनियमित है इट्स रेगुलेटेड विथ फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से इट्स रेगुलेटेड बाय जो सार्वजनिक वित्त है वो राजकोषीय नीति से विनियमित होता है और इसके लिए जो कानून है एफ आर बी एम एक्ट दो हजार तीन इसके लिए उपयोग होता है और एफ आरबीएम एक्ट में है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट दो जो कानून है उस कानून का नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 हजार से यह टॉपिक रेगुलेटेड होता है प्रक्रिया का विस्तृत विवरण का विस्तृत विवरण संविधान में दिया गया है संविधान में डिटेल प्रोविजंस और प्रोसीजर मेन्शंड इन कॉन्स्टिट्यूशन इससे संबंधित सार्वजनिक वित्त से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका विस्तृत विवरण संविधान में है और केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मैनेज इट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है कितने फैक्ट हमने लिखा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है दूसरा क्या है इससे रिलेटेड जैसे जब आरबीआई आप करते हैं तो वहां पे एक एक पॉलिसी आता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीति है ठीक है एक विदेश व्यापार नीति आता है कृषि नीति आता है औद्योगिक नीति आता है उसी तरह से यहाँ का नीति कौन सा है फिजिकल पॉलिसी है राजकोषीय नीति है और ये राजकोषीय नीति का इस टॉपिक का जो कानूनी आधार है जिसके तहत ये पैसे द पॉलिसी एक्ट विच यूज टू मैनेज रेगुलेट दिस टॉपिक इज नोन एज एफ एक्ट टू और एफ में क्या है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट उत्तराजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 इसके लिए उपयोग होता है उसके अलावा जाएंगे तो ये प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संविधान में है ठीक है माने डिटेल इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इसका और उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसको देखा जाता है क्लियर है तो जो इसमें तो जैसे बजट अच्छा ये जो सार्वजनिक वित्त का वे क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है अगर ये देखें सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा तो इसको दो पैर में दो पार्ट में बांट लीजिए दो पार्ट में इसको बांटिए फिर से हेडिंग डाल के सार्वजनिक वित्त लिख दीजिए और फिर पब्लिक फाइनेंस लिख के दो पार्ट में बांट लीजिए एक सार्वजनिक या बजटीय आय पब्लिक और बजटरी इनकम पब्लिक या बजटरी इनकम दूसरा दूसरे साइड में लिख दीजिए सार्वजनिक या बजटीय व्यय पब्लिक और बजटरी एक्सपेंडिचर दोनों को सौ पैसा मान लीजिए और यहां पे मन कर तो लिख दीजिए 2023-24 बजट बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस या बजटरी फाइन जो सिस्टम है उसमें ये किस प्रकार से इनकम और एक्सपेंडिचर का डिवीजन है तो सार्वजनिक जो आय है फिर इसको दो पार्ट में बांट लीजिए एक पार्ट में लिख दीजिए राजस्व आय रेवेन्यू इनकम दूसरे पार्ट में कुंजी गत है या कैपिटल इनकम कुंजी गत है कैपिटल इनकम अभी एक इंटरव्यू चल रहा था मॉक इंटरव्यू चल रहा अभी तो चल अभी चल भी रहा है सुबह से दस बजे से चल रहा है तीन दिन से सैटरडे तो संडे मंडे आज भी अभी तो मैं बैठा हुआ था साढ़े ग्यारह बजे से तो एक बड़ी अच्छी मैं, मैंने स्मार्ट सी एक लड़की है क्या नाम है उसका आ, क्या नाम है तो उसका मॉक ले रहे थे एक्चुअली क्या होता है कि जनरली मेरे वाले जब पता चल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं बैठ गया हूँ तो संख्या थोड़ी कम हो जाती है सब सावधान हो जाते हैं क्योंकि तो फिर अब उसके लिए तो ज़्यादा ज़्यादा मैंने तैयारी की जरूरत पड़ता है तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन लोग पता नहीं बता नहीं पाते तो नाम था रुबीना ज, जाबीन स्मार्ट है उसका है सेरो सायरी उसका हॉबी है मैंने तीन चार ये ऑडिटर वाला जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन क्या है आपका ऑप्शनल क्या है आपका हॉबी क्या है आपका तो मान लो पूछ रहे थे तो उसी में हमने यही वाला क्वेश्चन पूछा कि चलो बताओ एक्चुअली इसमें ये जो पोस्ट आया था ना ऑडिटर का पंचायत ऑडिटर का इसमें चार पाँच ऑप्शनल थे एक एलिजिबिलिटी की जरूरत था और चार शायद एक, एक, कॉमर्स ले सकते थे इकोनॉमिक्स ले सकते थे स्टैट ले सकते थे और मैथ ले सकते थे कुछ इस तरह से ले सकते थे तो इसमें नाइन्टी परसेंट लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है बैकग्राउंड कुछ और है इकोनॉमिक्स लेकर के और सब पास किए हैं नौ से ज़्यादा मेन्स का रिजल्ट आया है मैंने एक तरह से अपने आप में पी जितना रिजल्ट आया है जितना बी पी एस का टोटल वैकेंसी है उतना ऑडिटर का वैकेंसी था और सोचो मैंने ये चार में से उसमें शायद मैथ होना था और इस तरह से तीन चार चीजें उसमें जरूरत थी एलिजिबिलिटी में था तो आ, उसमें इकोनॉमिक सब ऑप्शन ले लिए हमने उससे क्वेश्चन पूछा ये सिंपल सा यही वाला पूछा कि चलो रेवेन्यू और कैपिटल इनकम में क्या डिफरेंस होता है ठीक है देखो था ना कि आपको जानना पड़ेगा फिर लेकिन चूंकि सब सब जुगाड़ू टाइप के ऑप्शनल है लिए भाई तो मजबूरी था मैथ ले नहीं सकते थे स्टैट ले नहीं सकते थे कॉमर्स ले नहीं सकते थे तो क्या ले लिए इकोनॉमिक्स ले लिए थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन थ्योरिटिकल जरूरत पड़ा तो बाकी ये जो क्लास में पढ़ाया गया था उसी मेन्स उसी से उसी से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स पब्लिक फाइनेंस यही सब टॉपिक कर करके कर सबका हो गया सब पास कर गए तो पास कर गए तो पास कर तो कर गए लेकिन अब जानते तो कुछ है नहीं अब जिस लेवल पे तो एक ही उनके लिए नेक सुझाव हमेशा हमारा होता है कि भाई जो बी पी एस सी सिक्स नाइन्थ देना ही देना है भाई जो भी ये ऑडिटर वाले में पास करेंगे उनको सिक्स नाइन्थ भी देंगे ही देंगे सब तो देंगे तो कम से कम सिक्सटी नाइन्थ के लिए पीटी इकोनॉमिक्स जितना तैयारी करो अभी तैयारी कर लो उतना उसका एक चीज बस पढ़ लो कि बीपीएससी नाइन्थ के लिए बाकी सेक्शन बाद में पढ़ना अभी क्या पढ़ लो अभी इकोनॉमिक्स पीटी का और क्लास नोट्स हमने उस पुराना क्लास नोट्स उसको हमने डलवा दिया इसी को ए टू जेड देख जाओ तो इसी में से इसके बाहर में से कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कहीं भी जाएंगे कोई भी जो प्रैक्टिकली जो जानता होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं जाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे हो जाएगा ठीक है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सबका जवाब होता है जैसे इसके बारे में कहा जाता है रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में तो उसमें होता है कि जैसे ऑल रिकरिंग इनकम अंतर इसका क्या था एक सेंटेंस का डिफरेंस था लेकिन अब नहीं है, जानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप इधर उधर गोल गोल घुमाएंगे सर ये सर दूर वाला लंबा वा, अधिक समय वाला तो पूरा कम समय वाला ये सब गोल गोल घुमाएंगे ठीक है तो उसमें क्या था कि ऑल रेकरिंग इनकम आर रेवेन्यू इनकम एंड ऑल नॉन रेकरिंग इनकम आर आर कैपिटल इनकम ठीक है ऐसे सभी आय जो बार बार वो राजस्व आय होता है ऐसे सभी आय जो एक बार वो कैपिटल इनकम होता है ऐसे सभी आय जिसको कि आज आया वापस नहीं करना होता है वो रेवेन्यू इनकम होता है और ऐसे आए जो कि कभी कभी वापस भी करना पड़ता है वो कैपिटल इनकम होता है एग्जाम्पल में क्या होगा जैसे एक मकान है तो उस मकान से जो रेंट आया जो रेंट आएगा वो बार बार की एक बार और मकान को बेचने से तो इसमें कौन सा रेवेन्यू होगा कौन सा कैपिटल होगा जो बार बार वाला होगा वो रेंट जो होगा वो क्या होगा रेवेन्यू होगा और दूसरा कैपिटल इनकम होगा ठीक है तो उसी तरह से मान लो अगर मान लो कोई बिजनेस है आपका उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो बार बार की एक बार और बिजनेस को बेच दिया तो वो तो कौन सा होगा कैपिटल इनकम होगा क्लियर है उसी तरह से मान लो किसी का जैसे दादाजी हैं उनका पिता पिताजी हैं उनका कोई किसी के घर में कोई पेंशन का पैसा बार बार की एक बार ठीक है इसी तरह से किसी को कर्ज दिया, दिया कर्ज उसे जो ब्याज आया इंटरेस्ट जो आया बार बार की बैंक में पैसा जमा किया बैंक में पैसा जमा किया उससे जो ब्याज आया बार बार की एक बार ठीक है क्या होगा वो रेवेन्यू होगा ठीक है और पैसा ही वापस आ गया तो क्या हो जाएगा कैपिटल इनकम होगा क्लियर है वो जैसे कहीं से कर्ज लिया बार बार की एक बार कर्ज लिया बार बार की एक बार एक बार रोज रोज कर्ज लिया तो रेवेन्यू हो जाएगा बार बार कर्ज लिया तो ठीक है ये बार बार कर्ज लिया ये रिकरिंग इनकम नहीं है रेकरिंग इनकम का मतलब होता है ये नेचुरली बार बार नहीं है ये ये जोरद बस्ती का मुर्गी से अंडा बार बार की एक बार मुर्गी से अंडा बार बार की एक बार और मुर्गी को क्या हुआ एक बार आ रहे समझ में माने यहाँ पे क्या होता है रेकरिंग का मतलब हो ये रेकरिंग का मतलब ही होता है कि ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिस इनकम विल बी विल बी रिसीव्ड रेगुलरली ऑन अ सर्टेन इंटरवल दिस इनकम विल रिसीव्ड एक नियमित अंतराल पर ये आय हमेशा आपको प्राप्त होगा उसको बोलते हैं रेकरिंग ठीक है और उसी तरह से नॉन रेकरिंग एक दिन आया दस दिन नहीं आया बीस दिन आया पच्चीस दिन नहीं आया इस तरह के इनकम को क्या बोलते हैं कैपिटल इनकम तो कर्ज आय जो होता है वो कर्ज आय क्या होता है जो तो डेट इनकम होता है किसी से बोरोइंग किया वो बोरोइंग हमेशा कैपिटल इनकम होता है ठीक है लेकिन उसी में जो इंटरेस्ट से पैसा आएगा वो क्या होगा रिकरिंग इनकम होगा वो रेवेन्यू होगा तो इसलिए देखो इन जनरल कई बार आप इकोनॉमी में सुनेंगे तो उसमें कहा जाता है सरकार की राजस्व आय में भारी वृद्धि हुई है रेवेन्यू इनकम ऑफ गवर्नमेंट इनक्रीज ठीक है increased. तो रेवेन्यू इनकम का मतलब हुआ कि सरकार का जो बार बार का इनकम है वो बढ़ गया है कैपिटल सरकार का कैपिटल इनकम बढ़ गया वो हमेशा सिचुएशनल होगा सरकार ने मान लीजिए कोई एसेट्स है उसको बेच दिया सरकार को सरकार को जो कैपिटल इनकम है वो बढ़ गया मान लो गवर्नमेंट ने जाकर के कहीं से वर्ल्ड बैंक से दस बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया उसका कैपिटल इनकम बढ़ जाएगा ठीक है तो इस तरह कैपिटल इनकम को कभी काउंट नहीं किया जाता है ठीक है, हमेशा किस चीज को काउंट किया जाता है रेवेन्यू इनकम को लोगों का पैसा मतलब नहीं, लोगों का नहीं सरकार के पास जो पैसा आया है बार बार का जिसको कि रिटर्न नहीं करना है हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया नॉट टू बी रिटर्न सरकार लोगों का पैसा का, कौन सा होगा जिसको सरकार वापस लोग इतने दरिया दिल हैं इतने दानी हैं कि सरकार को पैसा दे देंगे और रिटर्न नहीं लेंगे बैंक में जो जमा है वो जमा क्या होगा रेकरिंग की नॉन रेकरिंग बैंक के लिए बैंक में जो जमा है वो जमा बैंक के लिए रेकरिंग इनकम है कि नॉन रेकरिंग इनकम है नॉन है और बैंक में ने बैंक ने जो लोन दे रखा है उससे जो ब्याज आ रहा है रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है रेकरिंग है समझो तो इस बात को इससे ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ठीक है कई बार दिमाग खरोच खरोच करके खरोचने की जरूरत नहीं है चलो अब बताओ किसका कोई समझ में यह उसी तरह से विदेशों से जो आए हैं असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज क्लियर है तो असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ये क्या होता है कि ये जब भुगतान संतुलन जब टॉपिक होता है तो उसमें वो पूंजी खाते का भाग है लेकिन बजट में जो इन बजट में भाई विदेशों से पैसा आया विदेशों से दो तरह का पैसा आएगा एक आएगा कर्ज के रूप में आया दूसरा आएगा सहायता के रूप में तो जो सहायता होगा वो हमेशा रेवेन्यू इनकम होता है ठीक है जो कर्ज होता है वो किसका होगा कैपिटल इनकम होगा अरे समझ में इसी का ठीक उल्टा देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कूल बिल्डिंग बनाया और स्कूल में टीचर की सैलरी कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है स्कूल बिल्डिंग बनाना और टीचर की सैलरी एक आपके घर में एक ट्रैक्टर खरीदाया कैपिटल है रेवेन्यू है और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस रेवेन्यू है बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना कैपिटल की रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बिल्डिंग का मरम्मत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्लियर है जो घर में कोई स्टाफ है उसको सैलरी रेवेन्यू के कैपिटल रेवेन्यू ठीक है हमेशा तो इनकम वाले में रेवेन्यू इनकम अच्छा होता है और एक्सपेंडिचर वाले में कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है ठीक है एक्सपेंडिचर वाले में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे एसेट्स क्रिएट होता है जैसे आपके घर में मकान खरीदाया जमीन खरीदाया सोना चांदी खरीदाया ठीक है ये सब जो खरीदाया रोड बनाया गया ब्रिज बनाया गया ये सब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है एसेट्स क्रिएट होगा लेकिन उसी का जो मेंटेनेंस होगा तो कभी आप चाहेंगे कि कोई ऐसा चीज खरीदे जिसको मेंटेन करना पड़े ऐसा खरीद लें जिसे कि कभी मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े ठीक है तो कभी भी सरकार की कोशिश होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जबकि इनकम वाले साइड में रेवेन्यू ज्यादा हो और कैपिटल कम हो क्योंकि तो कैपिटल वाले में या तो कोई संपत्ति बेच के आता है या फिर कर्ज लेके आता है तो लेके बेच के आना भी अच्छा नहीं है और कर्ज लेके आना भी अच्छा नहीं है तो कैपिटल अच्छा तो इनकम अच्छा नहीं होता है क्या अच्छा होता है रेवेन्यू आय कर से सरकार को पैसा टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम रेवेन्यू के कैपिटल करों से सरकार की आय कैपिटल की रेवेन्यू रेवेन्यू क्यों बार बार आता है ठीक है ध्यान रखिएगा इसको चलो तो इसमें लिख लो एक लाइन ये क्या हो जाता है बार 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 और ये क्या लिख देंगे एक बार रिसीव्ड वंस रेकरिंग कहीं किनारे ही लिखना है नीचे नहीं लिखना है नीचे कुछ और लिखना है अच्छा चलो अब राजस्व आय को, राज, को फिर से दो भाग में बांट लो दो भाग में रेवेन्यू इनकम को फिर से दो भागों में एक लिख लो कर आय, टैक्स इनकम एंड नॉन टैक्स गैर कर राजस्व आय नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम गैर कर राजस्व आय ठीक है और पूंजीगत वाले में लिख लो कर्ज आए डेट इनकम और गैर कर्ज पूंजीगत आए गैर कर्ज पूंजीगत आए नॉन डेप्ट कैपिटल इनकम नॉन डेप्ट कैपिटल इनकम ठीक है कर आय को फिर से दो भागों में बांट लीजिए टैक्स इनकम फिर से दो भागों में एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स दूसरा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स बांट लीजिए प्रत्यक्ष कर को फिर दो भागों में बांट लीजिए प्रत्यक्ष कर को फिर से दो भागों में आयकर और निगम कर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आयकर और निगम कर लिखें इनकम टैक्स जैसे ये पंचायत ऑडिटर का इंटरव्यू है तो भाई आपसे उम्मीद की जाती है ना कि जब पंचायत, का है, तो पंचायत के बारे में, में, में साक्ष्य मिलता है आप जान लीजिए इसको उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में पंचायती राज का किस प्रकार विकास हुआ के बाहर प्रैक्टिकली और उसके बाद कौन कौन सी कमेटी है और फिर सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू फोर्टी थ्री में किया गया शेड्यूल ग्यारह में प्रोविजन किया गया तो फिर टू फोर्टी थ्री में जो जो प्रोविजन है ए बी सी डी सब सारा ठीक है और शेड्यूल एलेवन में अगर कुछ इस तरह के प्रोविजन है तो तो ये सारी बातें एक व्यवस्थित तैयारी की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए जान जाना चाहिए और ये हार्डली एक डेढ़ घंटा दो घंटा बैठेंगे तो आप जान जाएंगे लेकिन क्या होता है कि फिर भी पढ़ते नहीं है सब देखो ना होना होता है ना कि पढ़ लेना कई बार क्या होता है कि मेंस पास कर गए तो लोग अपने आप को थोड़े कॉम्प्लेसेंट इस बात से हो जाते हैं कि अब तो मेरा हो ही गया सिलेक्शन ठीक है और जब ढूंढते हैं उसमें से नाम गायब रहता है तब तो समझ में आता है तो क्या होता है कि बै, व्यवहारिक रूप से जो भी चीज़ें जहां जहां दिखाई दे रही हैं उसको अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर जाया जाए तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन बाउंस होगा ठीक है और एक और होता है कि भाई जब अगर नहीं आ रहा हो तो पर्सनल फेयरनेस इन पर्सनैलिटी एक होता है गेस करना गेस करने से माइनस होता है सॉरी बोलने से जितना है उतना ही रहता है और यस सही बोल देने से क्या होता है मार्क्स मिलता है तो ज्यादा अच्छा कौन सा है कि नहीं आता हो तो क्या करें सॉरी बोल दें कम से कम कुछ माइनस तो नहीं होगा ठीक है लेकिन सब क्या करते हैं कि जब नहीं आता है तो लगते हैं लपेटने लग और लपेटने में क्या हो जाता है उल्टा और माइनस हो जाता है लिखे प्रत्यक्ष आयकर अप्रत्यक्ष कर में लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स में तीन इनडायरेक्ट टैक्स में लिख लो तीन इनडायरेक्ट टैक्स में तीन लिख दीजिए एक जीएसटी दूसरा लिख लो एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क जीएसटी उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी और तीसरा थर्ड सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी ठीक है अच्छा अब चलो इसको भर लो उसमें ये वाला नीचे से स्टार्ट करिए कहा जीएसटी अभी लिखे थे जीएसटी लिखे थे नीचे कितना पैसा है जीएसटी कहीं दिखाई दे रहा है इसमें जीएसटी लिख लीजिए जहां जीएसटी लिखा हुआ है उसको सत्रह पैसा सेवनटीन पैसा जीएसटी के नीचे लिख लो सत्रह पैसा उसी स्ट्रक्चर में लिखिएगा उसके बाद क्या लिखा हुआ था कितना दिख रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना दिख रहा है सात पैसा तो लिख लीजिए सात पैसा और सीमा शुल्क कितना दिख रहा है चार पैसा ये तीनों को जोड़ेंगे तो, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा कितना हुआ तो लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स जहां है वहां अट्ठाईस पैसा यहां पे इन डायरेक्ट टैक्स है वहां अट्ठाईस पैसा लिख लिया प्रत्यक्ष कर में अट्ठाईस पैसा अब प्रत्यक्ष कर में आ जाओ डायरेक्ट टैक्स में क्या था आयकर यहां देखिए इनकम टैक्स कितना लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है लिख लो पंद्रह पैसा निगम कर कितना लिखा हुआ है पंद्रह पैसा दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा लिख लो तीस पैसा और अट्ठाईस पैसा और तीस पैसा उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कर आए हो जाएगा जोड़ लेके लिख लो कर आय कितना पैसा फिफ्टी एट पैसा लिख लिए फिफ्टी एट पैसा अच्छा आप देखो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम कहीं लिखा हुआ है क्या कर भिन्न प्राप्तियां ये कहीं लिखा हुआ है यहां पे यह कर भिन्न प्राप्तियां कर भिन्न प्राप्तियां कहीं लिखा हुआ है कितना पैसा लिख लीजिए छह पैसा कर भिन्न प्राप्तियां नॉन टैक्स रेवेन्यू लिख लिया आपने अच्छा तो टैक्स इनकम और नॉन टैक्स दोनों लिख लिया तो दोनों को जोड़ेंगे तो रेवेन्यू कितना होगा जोड़ो दोनों को दोनों को जोड़ के रेवेन्यू इनकम लिख लो नहीं मिल रहा है, है? मिल गया अच्छा अच्छा रेवेन्यू हो गया अब इधर आ जाइए कैपिटल इनकम में कहाँ लिखा हुआ है बोरोइंग एंड अन अदर लाइबिलिटीज उधार से आए कितना लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है चौतीस पैसा तो लिख लो चौतीस पैसा कहीं लिखे ना डेट इनकम डेट इनकम लिखे तो कहीं जहां पे उधार से आए या कर्ज आए लिखा हुआ है हाँ कैपिटल इनकम के नीचे मिल गया थर्टी फोर पैसा नहीं मिला अच्छा उसके नीचे देखो एक और लिखा हुआ है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट भी लिखा हुआ है क्या गैर कर्ज पूंजीगत आय ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां लिखा हुआ है नॉन डेप्ट कैपिटल इनकम कितना लिखा हुआ है दो पैसा तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स पैसा कहां लिखेंगे उसको पूंजीगत पूंजीगत आय में लिखेंगे ना तो लिख लो पूंजीगत आय में तो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सौ पैसा तो हो गया सौ पैसा सौ पैसे का हिसाब किताब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनकम एस्टीमेट है फॉर ईयर वर्ष दो हजार तेईस चौबीस के लिए भारत सरकार के कुल आय का ये विवरण है कि कहां से कितने पैसे एस्टिमेटेड है अनुमानित है आया नहीं है बजट हमेशा किस में होता है फ्यूचर टेंस में होता है आएगा मैंने एक अप्रैल से जो साल शुरू हुआ है उस साल में इन इन स्रोतों से सरकार के पास पैसे आएंगे और उसमें एक चौतीस पैसा कर्ज आए दिखाई दे रहा है जो अपने आप में ज्यादा है ये चौंतीस पैसा टोटल इनकम का ये तीन परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी ये शायद सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट है कर्ज भारत सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है देखो राजकोषीय घाटा भारत सरकार का 5.9 परसेंट है यह तीन परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोरोना पैंडेमिक में जो कोरोना पैंडेमिक में हुआ क्या था इनकम खत्म हो गया था एक्सपेंडिचर तो या तो बढ़ गया था तब भी कहीं पे क्राइसिस आता है तो उस समय एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और इनकम क्या हो जाता है भाई सब जगह लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लग गया तो जीएसटी से इनकम क्या हो जाएगा भाई कोई बिजनेस होगा प्रोडक्शन होगा तब तो जीएसटी भाई कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तब तो कस्टम ड्यूटी आएगा क्लियर है तो ये सारे जो बैन लगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग बहुत सारे नौकरी से छूट गए नौकरी छूट जाने का परिणाम क्या होगा इनकम टैक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो आपका बहुत सारे जो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के एसेट से भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट के एसेट से भी गवर्नमेंट को रेंट आता है ये सारा का सारा रुक गया रुक गया तो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी मंदी होगा मंदी आएगा या कोई इस तरह का पेंडेमिक आता है तो उस समय क्या हो जाता है आपका इनकम रुक जाता है लेकिन एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है मंदी से बाहर निकलने के लिए या आपदा अस्सी करोड़ लोगों को पाँच के और पाँच पाँच किलो और ऊपर से और पता नहीं क्या क्या चने का दाल और क्या क्या देंगे मुफ्त का जब देंगे तो लोगों को प्लस इसके अलावा हर ग्रुप को कुछ ना कुछ पैसे दें जिससे कि लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट करें कोई देश में भूखे ना रहने पाए इसके लिए 80 करोड़ लोगों को पाँच के जी अनाज अगर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्लियर है मंदी जब आता है तब भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है जिससे लोगों के पास पैसे जाएं और लोगों के पास पैसे जाएंगे तो लोग खरीदारी करेंगे डिमांड करना शुरू करेंगे और डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी को रिवाइव करना संभव हो पाएगा तो ये जितने भी क्राइसिस आते हैं ये क्राइसिस बजट पर भी क्राइसिस होता है क्लियर है और बजट पर जब क्राइसिस होता है तो अब इसमें एक और बड़ा क्राइसिस हुआ था जो आगे हम लोग देखेंगे ठीक है उसमें आएगा कि जैसे जीएसटी है तो मान लो जीएसटी का था कि जीएसटी में जैसे 18 परसेंट है गेमिंग अभी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर अट्ठाइस परसेंट जीएसटी आया नया और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि ऐसी सारी कंपनियां जो ऑनलाइन गेमिंग में हैं और वो शेयर बाजार में हैं वो सब बीस बीस पच्चीस पच्चीस परसेंट से नीचे गिर गईं भाई अट्ठाइस परसेंट जीएसटी अगर गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग पर अट्ठाइस परसेंट जीएसटी लगेगा तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग महंगा हो जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग महंगा हो जाएगा तो भाई ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या क्या हो जाएंगे घट जाएंगे घट जाएंगी तो भाई ये जो ऑनलाइन वाली जो कंपनियां जो शेयर बाजार में है स्वाभाविक रूप से उनका दाम नीचे गिर जाएगा तो अब ये मांग किया जा रहा है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग अभी जस्ट इमर्ज कर रहा है इस तरह के इस तरह से टैक्स से उस तरह के इस सेक्टर को पेनालाइज्ड करना ये अच्छी बात नहीं है आप इसको इस टैक्स को ए, एक रेशनलाइज रखिए रीजनेबल रखिए मांग की जा रही है लेकिन अब मांग पता नहीं कितना लेकिन गेमिंग से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां थी उनके शेयर के दाम काफी नीचे गिर गए हैं तो इसीलिए हम लोग देखो एक लिखवा रहे थे कि शेयर बाजार के शेयर सूचकांक के प्रभावित होने के कारण में लास्ट क्लास में उसमें एक पॉइंट दिखा रहे थे सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसे ही गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो शेयर मार्केट को क्या कर रहे हैं करेंगे बर्बाद करेंगे एक छोटा सा डिसीजन आएगा जैसे आई ठीक है भारत सरकार की एक बहुत प्रीमियम कंपनी है शेयर मार्केट में बड़ी अच्छी कंपनी है लोगों को खूब प्रॉफिट वगैरह हुआ आज एक छोटा सा डिसीजन आ जाए कि आईआरसीटीसी में जो ऑनलाइन टिकटिंग है उसमें एक्सक्लूसिव राइट किसका है आईआरसीटीसी का है ट्रेन चाहे कोई भी मैकमाई ट्रिप के थ्रू हो गई विवो के थ्रू हो या किसी के थ्रू होगा वो टिकट होगा आईआरसीटीसी के थ्रू ही कल तो अगर सरकार का डिसीजन आ जाए कि भाई हमारा ट्रेन में टिकट नहीं बिक रहा है तो भाई अब जो मन करे सो इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकता है आईआरसीटीसी के माध्यम से उसको बुक करने का कंपल्सन खत्म हो गया एक छोटा सा डिसीजन आ जाए और आईआरसीटीसी में जो लोगों ने पैसा लगा रखा है वो पैसा घट करके आधा हो जाएगा एक झटके में जो सा छह सौ पच्चीस तीस रुपए का आईआरसीटीसी का एक शेयर चल रहा है वो घटकर कितने का पहुंच जाएगा तीन सौ रुपए का पहुंच जाएगा इसलिए सरकारी जो कंपनियां होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो रिस्की होता है ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहेंगे भी है लेकिन अब ये इसी में क्या करेंगे ये पहले ही अपने नाते रिश्तेदारों को बता देंगे फोन करके कि भैया अगर खरीद रखे हो तो उसमें से निकल लो हम ये चमत्कार ये अंडा देने वाले हैं ठीक है अब उसमें क्या होगा आईआरसीटीसी का जैसे ही ये डिसीजन आना होगा जो भी उनके लोग होंगे वो पहले उसको वो बता देंगे अब बता देंगे तो इसे अब डेल्टा कॉप एक कंपनी वो है जो ऑनलाइन गेमिंग क्या है एक नजारा करके एक ऑनलाइन गेमिंग की कंपनी है तो भाई निश्चित रूप से उनका शेयर जब थर्टी नीचे गिरा तो कुछ ना कुछ तो लोगों को पहले से रहा ही होगा ना कुछ लोगों को तो सूचना मिल ही गई होंगी कि बेटा बेच के इसमें से निकल लो अभी इसका चमत्कार इसका होने वाला है ठीक है या उसी में जब इसको विड्रॉ करना होगा जब ये मान लीजिए अट्ठाईस परसेंट को बारह परसेंट या पाँच परसेंट करना होगा तो इसकी भी खबर हो जाएंगी कुछ लोगों को कि भाई अभी देखो इसको रोल बैक करने वाले हैं और जिस दिन रोल बैक होगा उस दिन डेल्टा कॉप का शेयर क्या होगा ट्वेंटी थर्टी ऊपर उठेगा तो मान लो उस दिन पता चला कि एक दिन पहले ही पता चल गया एक दिन पहले ही दस बीस लाख का खरीद लो मे जितना घर में पैसा वैसा हो सब उसमें लेकर डाल दें एक ही दिन में क्या हो जाएगा बीस पच्चीस लाख का प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ऐसे सब चलते रहते हैं देश में तो उसी में क्या हुआ कि जीएसटी में जब ये आया तो दो हजार में जीएसटी कलेक्शन बहुत कम आया और जीएसटी कानून के अनुसार जो भी लॉस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस मानी ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन कम आ रहा है तो कम आएगा तो जो लॉस होगा दैट विल बी इन टू पार्ट आधा राज्यों का आधा राज्यों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हम नहीं जानते हैं लॉस होगा आपने कानून बना के बोला हुआ है कि अगले पांच साल तक जीएसटी में जो भी लॉस होगा दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आपने ये नहीं बोला हुआ है कि कोरोना पेंडेमिक के कारण लॉस होगा तो वो नहीं देंगे आपने पहले से बोल रखा है अब जो लॉस हो रहा है अब पहले वो पैसा हमारा दीजिए पिछले साल अगर मान लो हमारे पास तीस रुपया आ रहा था और इस साल अगर बारह रुपये आ रहा है तो इसका मतलब कितना हुआ अठारह रुपये का हमारा लॉस हो रहा है और ये अठारह रुपये का लॉस हो रहा है दैट मस्ट बी कॉम्पनसेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट निर्मला सीतारमन एकदम से चूंकि भाई लॉस तो सबको हुआ था लॉस तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हुआ था लॉस तो उन्होंने तो इसको ईश्वर ईश्वर का इसको बोला था गॉड्स कुछ इसको इसके लिए वर्ड इन्होंने यूज किया था एक डीएसटी के लिए लेकिन बाद में खैर वो वर्ड बताते हैं सेंटेंस क्या यूज किया था कि ये ये कहा जाता है कि गॉड्स वो है ये ट्रेजडी है ये तो इसको इसमें इसमें कंपल्सेशन नहीं होगा लेकिन फिर बाद में मामला आगे बढ़ा आगे बढ़ा तो फिर उन्होंने निर्मला से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंटायर अमाउंट ऑल अमाउंट विल बी कम्पन्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट राज्यों को सारे पैसे जो भी कोरोना पैंडेमिक के दौरान जीएसटी से राज्यों को लॉस हुआ है वो एक एक पैसे की भरपाई केंद्र द्वारा राज्यों को किया जाएगा ठीक है और उसके लिए फिर उन्होंने अपना तरीका ढूंढा और उसमें उन्होंने कम्पनसेट किया तो इसमें ये आता है कि जैसे ये जो फिजिकल डेफिसिट है देखो इसमें फिजिकल डेफिसिट में क्या हो रहा है ये सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है फिर 6.4 पॉइंट परसेंट मैंने ये ये इतना तक पहुंच गया था ये 6.7 पॉइंट परसेंट किस साल का है 2021 हजार -20 का है 2022-23 -20 में 2022-23 -20 में 6.4 परसेंट आया ये सब कोरोना पैंडेमिक वाला था एक ही झटके में पता चला कि अब तीन परसेंट से भी भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने का कार्य चल रहा था तब तक तो कोरोना पैंडेमिक आया और एक ही झटके में ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप था वो चौंतीस पैसे से बढ़ गया छत्तीस पैसे से बढ़ गया था छत्तीस पैसा कर्ज लेकर के अपनी व्यय की आवश्यकताओं को आपको पूरा करना पड़ा था क्लियर है ये तो दूसरा अब आ जाओ इसमें कौन सा यहां तो एक तो इनकम वाला लिखे थे ना अब कौन सा है एक्सपेंडिचर वाला तो लिखा एक्सपेंडिचर वाला सार्वजनिक व्यय या बजटीय व्यय पैसा और इसमें क्या हो जाएगा इसमें लिख लो केंद्रीय व्यय सेंट्रल एक्सपेंडिचर और स्टेट स्टेट केयर एंड ट्रांसफर स्टेट सेयर एंड ट्रांसफर सेंट्रल राज्य हिस्सा राज्य हिस्सा एवं ट्रांसफर को क्या बोलेंगे स्थानांतरण एवं हिस्सा एवं देता देन दे ठीक है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें एक सर्टेन अमाउंट इसीलिए जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा जाता है वह अभी होता है क्लियर है उसमें जाएंगे तो केंद्रीय केंद्रीय वाले के पांच पैर बना लीजिए देखो रुपया कहां जाता है रुपी गोज टू पांच पैर बना लीजिए एक पैर किसे शुरू करेंगे रक्षा से डिफेंस से चलो डिफेंस से स्टार्ट कर लो डिफेंस डिफेंस दूसरा लिख दीजिए सब्सिडी तीसरा लिख दीजिए इंटरेस्ट ब्याज चौथा तो लिख लो पेंशन चार हो गया और एक और है सी एस 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 सीएसएस एस एस और एक और अच्छा बता रहा हूं लिख लो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये तो हो गया सीएसएस तो अलग है एक से एक सीएसएस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना बता रहा हूं क्या होता है लिख लो कि सीएस दो सी एस एस है दोनों लिखना है दोनों लिखना है सीएसएस सी एस एस दोनों लिखना है एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और एक और लाइन नीचे खींच के एक और लिख लो अन्य अदर एक्सपेंडिचर अब पैसा भर लीजिए सब में सब में पैसा भरिए डिफेंस में कितना है आठ पैसा सब्सिडी सात पैसा है ब्याज अएगी इंटरेस्ट पेमेंट बीस पैसा पेंशन वाले में चार पैसा अन्य व्यय अदर एक्सपेंडिचर इसमें सैलरी वगैरह आता है वेतन जो अदर व्यय है ना उसमें इसमें वेतन आता है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन सैलरी पेंशन अन्य में है पेंशन तो अलग से लिखा हुआ है चार पैसा जो अन्य व्यय का आठ पैसा लिखा हुआ है पूछेंगे ना कि अन्य व्यय में केंद्र सरकार का अन्य व्यय क्या होता है तो केंद्र सरकार का अन्य व्यय एक महत्वपूर्ण व्यय होता है वेतन सैलरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के का देखो पूरे में कहीं वेतन नहीं दिखाई दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं उनका वेतन कहां से, तो से है। है? तो कितना है वो आठ पैसा और सीएसएस में दोनों में एक सीएसएस में नौ पैसा के, की योजना।, योजना उसमें कितना है सत्रह पैसा और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कितना है नौ पैसा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है यह वाला जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना ये एक्चुअली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनके जो खर्चे हैं वो सब इसमें है आपने कहा दिखा कहां कहाँ बजट में कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ग्रामीण विकास मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय का सामाजिक कल्याण मंत्रालय का कोई बजट है इसमें उनका अलग से तो बजट आता नहीं है तो फिर उनके खर्चे कहां से पूरे होते हैं ये जो जो रेलवे का है वो सब पैसे कहां से पूरे होते हैं यही इस वाले में से पहले इसको योजनागत व्यय के नाम से लिखा जाता था प्लान एक्सपेंडिचर अब उसको प्लान एक्सपेंडिचर नहीं लिखते हैं क्या लिख देते हैं सेंट्रल सेक्टर क्लियर है और वो क्या है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे मनरेगा मिड डे मील स्कीम इस तरह के कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनके लिए अलग से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट होता है लेकिन लागू कहां होता है वो राज्यों में ठीक है तो ऐसी योजनाओं के लिए जो पैसे होते हैं वो आता है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आ रहे समझ में सर्व शिक्षा अभियान हुआ दोपहर भोजन योजना हुआ मनरेगा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ ऐसे वो मातृ वंदना स्कीम है कई सारी ऐसी स्कीम इस है जो कि हंड्रेड जो मेजोरिटी जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है और राज्यों में लागू है वो तो ऐसी योजनाओं के लिए जो बजट होगा वो इस सी एस एस में है क्लियर है दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ये जो पैसा है वो किसका है ये जो पैसा है वो ये वाला जो पैसा है विभिन्न मंत्रालयों का पैसा है ध्यान रखिए मैंने कंफ्यूज होने के बदले जब कंफ्यूजन सेंट्रल सेक्टर मतलब होता है विभिन्न मंत्रालयों के खर्चे तो विभिन्न मंत्रालयों के खर्चे कितने हैं सत्रह पैसा क्लियर है तो सबको जोड़ो उसको कितना आया कितना पैसा हुआ सेवेंटी फोर पैसा तो लिख दीजिए सेवनटी फोर नौ इक्कीस इक्कीस और अठारह अच्छा नहीं इक्कीस और इक्कीस और सात कितना हुआ अट्ठाईस अट्ठाईस और आठ आथ, अट्ठाईस आठ आथ, छत्तीस छत्तीस और बीस छप्पन छप्पन और सत्रह कितना हो रहा है जिसका जितना हो रहा है उतना लिख लो अब चलो राज्य वाले में राज्य वाले के तीन पैर बनाइए राज्य वाले के एक मिनट राज्य वाले का केंद्रीय कर शुल्क में वो होगा का अन्य हस्तांतरण और कुछ हाँ दो राज्य वाले का दो बनाइए दो बनाइए और उसमें लिख लो फर्स्ट स्टेट सेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना पैसा अठारह अठारह पैसा और दूसरा है वित्त आयोग और अन्य अंतरण फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण यह देखो यहां लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स नौ पैसा नौ पैसा ठीक है कितना हुआ ट्वेंटी सेवन लिख लो ऊपर ट्वेंटी सेवन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया सेवेंटी थ्री पैसा होगा वो वाला केंद्र वाला 73 पैसा होगा तो सेवेंटी सेवेंटी थ्री और 27 कितना हो गया 100 पैसा तो लिख लो 100 पैसा अब देखो ये क्या होता है ये कर एवं में राज्यों का हिस्सा तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल टू ठीक है देर इज ए प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश अ फाइनेंस कमीशन ऑन ए गैप ऑफ फाइव इयर्स भारत के संविधान के 280 में अस्सी प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष पर ठीक है या आगे पीछे अदरवाइज टाइम पीरियड साल दिया हुआ है या अन्यथा अगर पहले लगता है तो पहले डिले भी हो सकता है लेकिन टाइम पीरियड पांच साल है आर्टिकल टू में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो पांच साल का लिखा हुआ है एक वित्त आयोग का गठन करेंगे यह वित्त आयोग आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होंगे एक्सपर्ट ऑफ ठीक है इकोनॉमिक्स होंगे ये और इनकी संख्या अधिकतम पांच होगी एक अध्यक्ष चार सदस्य पांच लोगों का एक फाइनेंस कमीशन बनेगा और ये फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है इनका काम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसके तीन पार्ट हैं एक विधायी प्रशासनिक और वित्तीय कौन कौन से लेजिस्लेटिव एजुक्यूटिव और फाइनेंशियल इसमें फाइनेंशियल वाला पैरामीटर इस आयोग द्वारा तय किया जाएगा है? तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन विच इंस्टीट्यूशन इज ऑथराइज्ड टू डिटरमिन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सेंटर और स्टेट और बीच में फाइनेंस आए लैंग्वेज कुछ भी रहे उसका आंसर क्या होगा फाइनेंस कमीशन समझ में उसमें नीति आयोग भी दिया रहेगा उसमें कोई और भी दिया रहेगा आपका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा फाइनेंस कमीशन इसके द्वारा इस काम क्या होता है इसका एक्चुअली सेंटर और स्टेट के बीच में एक फाइनेंशियल उलझा हुआ मामला है जो वित्तीय मामले हैं वो उलझे हुए हैं कैसे उलझे हुए हैं जब दोनों सेंट्रल स्टेट का जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा था तो उस समय क्या हुआ कि सारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिया गया और सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर राज्यों के पास दे दिया गया अभी ये देखो ये कौन सा झमेला है सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर किसके पास है राज्यों के पास है और सारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये कौन सा न्याय किया गया ठीक है लेकिन किया ऐसा किया गया साथ में एक आर्टिकल 280 का प्रोविजन कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी स्टेट को देंगे क्लियर है और उसी में आता है जो पांच इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं उसमें से चार में से राज्यों को शेयर दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन पांच में से चार में कौन कौन से चार में कौन कौन से पांच आपने लिख रखा है नीचे इनकम टैक्स लिखा था कारपोरेट टैक्स लिखा था जीएसटी लिखा था सीमा शुल्क लिखा था एक्साइज ड्यूटी लिखा था ये पांच सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं इसमें कस्टम ड्यूटी को छोड़ करके बाकी चार में से जो फाइनेंस कमीशन कहेगा रिकमेंड करेगा उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को देना पड़ेगा हर साल अपने बजट में से और ऐसा क्यों किया गया भाई ये पांचों के पांचों टैक्स चार टैक्स पांचवा नहीं पांचवा तो कस्टम ड्यूटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोवरेन राइट है वो ये चार जो टैक्स है जीएसटी किससे लिया जाता है राज्यों के लोगों से सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपना कोई लोग है नहीं जो है सो कोई कोई कोई, कोई पता चला गुजराती है कोई राजस्थानी है कोई बिहारी है कोई पंजाबी है यही लोग होते हैं इन्हीं लोगों से जीएसटी लिया जाता है इन्हीं लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है पूरे देश में कंपनियां जो काम करती हैं उनसे निगम कर सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है तो भाई मेरे यहां से आप टैक्स लेके जाएंगे और मुझे कुछ नहीं देंगे ऐसा कैसे हो सकता है ये दादागिरी कैसे चलेंगी तो ऐसा ना हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई राज्यों से ही सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ये चारों इंपॉर्टेंट टैक्स लेती है एक्साइज ड्यूटी जीएसटी इनकम टैक्स और कार्पोरेट टैक्स सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है इसी बास्केट में से पैसे उठा करके अब सोच के देखो इस बास्केट में से टोटल तो ये बास्केट कितना है 58 पैसे का अभी आपने लिख रखा है 58 में से चार घटा दीजिए 50 54 पैसे का कस्टम ड्यूटी को हटा देते हैं तो ये 54 पैसा 100 पैसे में 54 पैसा बहुत ह्यूज अमाउंट हुआ क्लर है वैसे भारत जैसे बड़े देश के लिए 144 करोड़ लोग एक करोड़ लोगों के लिए ये फिफ्टी पैसा ज्यादा नहीं है ठीक है चूंकि लोग उस तरह से पैसे देते नहीं हैं माने भारत में देने की टेंडेंसी कम है और लेने की टेंडेंसी ज्यादा है यहां चंद्रयान तीन चाहिए चाइना से एकदम जोर से मुकाबला चाहिए नहीं लेकिन आप अपना पैसे का व्यवस्था खुद करिए तो ये जो है कि लोगों से लोगों में देने की प्रवृत्ति नहीं है ये टेंडेंसी अगर भर कोई ऐसा स्कीम हो जैसे एक स्वच्छ भारत मिशन चला था तो स्वच्छ भारत मिशन ठीक है के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि सरकार ने टॉयलेट की आवश्यकता हर घर में टॉयलेट की आवश्यकता को सरकार की जिम्मेवारी न बना करके उसको लोगों की जिम्मेवारी बना दिया ऐसा टॉयलेट 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 किया कि सारे लोगों को लगा कि अच्छा टॉयलेट भी होना चाहिए अब कोई मान लीजिए कोई लड़की की शादी करने के लिए कहीं जाए और जाके उनके घर में पूछे सबसे पहले क्या पूछता है कि टॉयलेट है कि नहीं अगर शादी काटने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है मान लीजिए किसी का कोई आप ऐसा चाहते हैं कि उस लड़के की शादी ना हो तो शादी काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो लड़की वाला है उसके यहां मैसेज पहुंचवा दीजिए कि किसी के घर में टॉयलेट नहीं है जैसे ही यह बात ध्यान में आएगा वैसे ही लोगों को लगेगा अच्छा ये तो बड़ा बैकवर्ड आदमी है क्योंकि अब के जमाने में ऐसा हो ही नहीं सकता सोचो इतनी छोटी सी चीज थी और कितना ज्यादा नेग्लेक्टेड था ये ये बहुत बड़ी बात नहीं आप बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और घर बना लेंगे टॉयलेट उसमें क्या करेंगे उसमें टॉयलेट नहीं है तो सोच के देखो तो कितनी बड़ी बात कितनी छोटी सी बात है ये लेकिन कितनी बड़ी बात थी एक महिला शादी करके गई है घर से एक लड़की गांव में भाई एटी परसेंट लोग गांव में रहते हैं अब न अब सिक्सटी फाइव परसेंट लोग गांव में रह रहे अभी भी सिक्सटी फाइव परसेंट गाँव में रहते हैं एक लड़की शादी करके गांव गई है गई है आपको आप इतना उसको छुपा के इतना बड़ा घूंघट ये वो सब कुछ और टॉयलेट कहाँ जाएगी वो अब बताओ कि, ये सोचो कितना बड़ा कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर है ये वो टॉयलेट एक प्रेम का था कि आप खुद इमेजिन करके देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें ऐसा नहीं था घर बनाने में बीस लाख लगता है टॉयलेट बनाने में कितना पैसा लगता है लेकिन लोग घर बीस लाख का बना लेंगे टॉयलेट कितनी बड़ी बात थी ये कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर था मेल के साथ क्या क्या फर्क पड़ता है लोटा उठाया चल दिया क्या फीमेल भी ऐसा ही कर लेगी गांव में गांव में और गांव में पता चला कि कई बार सबका सबका घर तो किनारे किनारे नहीं है ना गांव में कई लोगों का घर गांव के बीच में है ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा घर है बहुत बड़ा है कई घर में बाग बगीचा है और क्या क्या है कितना मेंटल टॉर्चर था ये। और उस आज के डेट में आज के डेट में हर स्टेट में जाएंगे तो बारह हजार रुपया और बारह हजार रुपये के साथ साथ उसका जीपीएस टैगिंग कई उत्तर प्रदेश के गांव थे जिस गांव में लोगों ने टॉयलेट का पैसा लेने से मना कर दिया कि नहीं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए हम अपना टॉयलेट खुद ही बना लेंगे गांव में कई गांव का ऐसा इंफॉर्मेशन एक दो गांव था कोई मुस्लिम गांव की ही बात आई थी कि कौन सी आई थी लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया ना ना हमको पैसा नहीं चाहिए हम अपना टॉयलेट बना लेंगे टॉयलेट के लिए कौन सा पैसा सरकार से लेना है लेकिन पता चला कि बिहार जैसे राज्य में क्या हुआ बन है टॉयलेट तब भी वो पैसा तो दे दीजिए ठीक है नया टॉयलेट बनाने के लिए नहीं भाई टॉयलेट पहले से है उसके बाद ही पैसा दे दीजिए नया तो खैर बना ही लेंगे तो ये हाल था खैर तो उसी में है कि भारत को भारत जैसे देश के लिए जो सबसे बड़ा डेवलपमेंटल फॉर्मूला ये हो सकता है कि भाई जो आप टारगेट तय करते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ी इंदिरा गांधी ने पैदा करी हर बात की ठेकेदारी सरकारी सरकार के ऊपर डाल दिया हर चीज गरीबी हटाओ अब गरीबी कौन हटाएगा अरे जो गरीब है वो हटाएगा भाई जो गरीब है गरीबी हटाना किसका काम होना चाहिए सरकार का किया जो गरीब है उसका तुम अपने अपना गरीबी नहीं हटा सकते हो। तुम उम्मीद करते हो कि सरकार पूरे देश का गरीबी हटा दे तो लेकिन क्या किया इंदिरा गांधी ने इसकी ठेकेदारी अपने हाथ में ले लिया जबकि गांधी जी ने क्या किया था भाई गांधी जी ने स्वतंत्रता की आवश्यकता को जनता की आवश्यकता बना दिया था गांधी मूवमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने जब गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे तो काहु हो हानि कोई भी राजा हो हमारा क्या लेने देना है मैंने जनता को राजा से कोई लेने देना नहीं होता था सरकार आकर के अपना टैक्स भारत में तो और ज्यादा प्रवृत्ति है जैसे कहा जाता है भारत के बारे में कि जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है ठीक है ये गांव है जो बाहर से आक्रमण जब भी होता था तो वो सबसे पहले राजनीति को बदलेगा सोचो तो गांव से कितना दूर है ये गांव वालों को कोई मतलब नहीं है बदल जाए कोई भी राजा हो उसके बाद वो अर्थव्यवस्था को बदलेगा इकोनॉमी को इकोनॉमी होता ही क्या था जो करना वो करे हमारा क्या लेन है उसके बाद वो समाज को बदलेगा अब अब लोगों का मतलब आने लगेगा जब सोसाइटी चेंज होने की बारी आएगी धर्म धर्म परिवर्तन होने लगेगा या पता चला कि जो हमारे बिलीफ हैं समाज संस्कृति उस बिलीफ पे सती प्रथा पर रोक होने लगेगा या विधवा विवाह की परमिशन हमारी परंपराओं में जब वो हेर फेर करेगा तब हम अट्ठारह सौ का विद्रोह करेंगे जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा या हमारे गांव के अंदर तक नहीं पहुंचेगा तो इन दोनों लेवल पे कुछ भी होता रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस मानसिकता के साथ हम 200 साल तक अंग्रेजों को झेलते रहे और कहीं यहां विरोध नहीं हुआ गांधी जी की सबसे बड़ी देन क्या थी गांधी जी ने इन लोगों के मन में यह बात भरा कि नहीं इनको हटाना यह सिर्फ गांधी जी की उपलब्धि गांधी जी का उदय गांधी जी का काम ना होकर के ये तुम्हारा काम है और इसका जो फेजेज जो आप देखते हैं उन्नीस में सारे नेता जेल में और जनता सड़कों पर है? तो में अमेरिका इतना पावरफुल देश इराक इराक युद्ध जीत नहीं पाया अफगानिस्तान का युद्ध जीत नहीं पाया क्यों नहीं जीत पाया भारत का, भारत का का को दुनिया का कोई देश जीत नहीं पाएगा यदि भारतीय चाह लेंगे चाहने का मतलब क्या हुआ 140 करोड़ लोगों को हरा सकता है सारे छनौटा और, और कलछू लेकर ले सड़कों पे आ जाएं, तो मिलिट्री वालों को भागते देर नहीं लगेगा भाई जो सड़कें भाई मिलिट्री वाले चाहे कोई भी चाइना हो चाहे कोई भी देश वाले रोड पर ही तो आएंगे ना हम तो रोड के नीचे रहेंगे दो दो चार चार पत्थर फेंकेंगे तो आरे समझ में तो 140 करोड़ लोगों का कभी कब्जा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो खुद ना चाहें, ठीक है और अब तो कम से कम हो ही गया है कि अब भारत को चाहे कोई इसीलिए विश्व में किसी भी देश में आप नहीं देखते होंगे कि कोलोनलिज्म जो है उपनिवेशवाद है उसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण विश्व के किसी देश में नहीं है विश्व के किसी भी देश में प्रत्यक्ष नियंत्रण की कोशिश नहीं की जा रही है जो नौ उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं नियो कॉलोनलिज्म उसमें क्या होता है प्रत्यक्ष राजनीतिक स्थापित करके जितना पैसा कमा सकते हैं उससे ज्यादा पैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू विभिन्न देश कमा रहे हैं अपनी कंपनी को भेज दो थर्टी परसेंट पेटेंट से पैसा आ जाएगा वहां जाके क्या करना है भाई कई ट्वेंटी थर्टी परसेंट पैसा प्रॉफिट से आ जाएगा बीस कंपनियों को भेज दो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर हर घर घर में इस्तेमाल होगा जब वो खरीदेंगे तो रॉयल्टी अपने आप ही उनके पास पहुंच जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हर घर घर से पैसे लेकर के और अमेरिका भेज देती है जो ये जो कंपनी है कौन सा और गूगल वगैरह है हर घर घर से पैसे लेकर के फेसबुक वाले हर घर घर से पैसा लेकर के ट्विटर वाले हर घर घर से पैसा लेकर के तो जब हर घर घर से पैसा जा ही रहा है तो फिर उस देश में आकर के झमेले में पड़ने की क्या हो सकता है तो नौ उपनिवेशवाद जो न्यू कोलोनिज्म है हमेशा ध्यान रखिएगा वो जो पुराना कोलोनिज्म था उससे डिफरेंट है पुराने कोलोनिज्म में जाकर के कब्जे राजनीतिक कब्जा करके शोषण करेंगे आप न्यो कॉलोनिजम में राजनीतिक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है और विभिन्न देशों का शोषण चल रहा है इसलिए विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो आज के डेट में किसी देश द्वारा कब्जा किया हुआ हो एग्जाम्पल होता है कोई है कोई देश कब्जा नहीं हो सकता है, है? वो तो डिस्प्यूटेड देखो उनका अपना डिस्प्यूटेड है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अब कश्मीर को कहो कि भाई भारत ने कब्जा करके रखा है तो ये तो अब तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड बातें हैं ना अब कोई कहे कि अफगानिस्तान को अमेरिका ने कब्जा करके रखा है तो वो कब्जा हुआ इराक को अमेरिका ने कब्जा करके रखा हुआ है तो वो कब्जा हुआ तिब्बत का भी अमेरिका में तो लेकिन आज का तिब्बत आज का थोड़ी तिब्बत उन्नीस से कब्जा में है अभी के टाइम पर कोई देश अगर गया हो किसी को कब्जा किया हो ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है वो जो चाइना का पॉलिसी है एक देश एक एक देश अलग अलग तरह का शासन उस प्रक्रिया में है वो अदरवाइज जाएंगे तो तिब्बत ऐसा नहीं है उन्नीस में तिब्बत को अंग्रेजों ने चाइना से अलग किया था तिब्बत पहले चाइना का ही भाग था गर्जन वगैरह के टाइम पे जाएंगे तो जो भारत का उस समय अंग्रेज मजबूत थे इंडिया मजबूत था तो इंडिया इंडिया जो तिब्बत युद्ध हुआ था उसके बाद कुछ उस तरह की कहानी है वो ठीक है तो खैर मैंने ये सब बातें इतिहास में बातें होती हैं एक सुगौली का संधि हुआ था अंग्रेजों के समय में अठारह में नेपाल वाले बोलते हैं कि हमारा उस सुगौली की संधि बिहार में है सुगौली वहां पर संधि हुई थी अंग्रेज डोमिनेंट थे नेपाल का सा कमजोर था निश्चित रूप से जो मजबूत होता है वो बाउंड्री अपने बाउंड्री दूसरे में घुसा देता है भाई तो जिसके यहाँ बाहुबली होते हैं तो मेढ़ जब खिंचाएगा खेत के अंदर में तो खेत कहाँ जाएगा हमारी तरफ आएगा कि उसके तरफ आएगा दूसरे तरफ जाएगा तो नेपाल वाले बोलते हैं कि पूरा जो गढ़वाल वगैरह है देहरादून वगैरह ये सब नेपाल का है तो बोलते हैं कि सुगौली की संधि में इलीगली हमसे ये हमारा क्षेत्र छीन लिया गया अभी थोड़े दिन पहले दो तीन साल पहले लिपुलेख और कौन कौन सा जो आप सुन रहे थे वो कालापानी लिपुलेख था वैसा ही था कि सुगौली की संधि उन्नीस सौ में जो संधि हुई थी उस संधि में अंग्रेजों ने इलीगल तरीके से नेपाल के हिस्से को भारत में मिला लिया जो आज तक मिला हुआ है हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र हमें आप वापस करिए नेपाल चूंकि कमजोर देश है छोटा देश है वो नहीं मांगता है क्लियर है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान झमेला झमेला किए रहता है कश्मीर को लेकर के अदरवाइज जो हो गया हो गया तुम्हारे पास तो तुम्हारा मेरे पास जो है मेरा तुम अपना खुश रहो तो हम अपना खुश रहें ऐसा होता नहीं है अलग अलग उसके रीजन है खैर चलो तो बहुत सार ढेर सारा बात बता दिया इधर उधर का चलो क्या लिखे मैंने बेसिक बात इसमें क्या है बे, बेसिक बात यह है कि गवर्नमेंट को हर कुछ अपने जिम्मे लेने की आवश्यकता नहीं है लोगों को भी प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए जब लोगों को भागीदार बना देंगे तो भारत जैसे देश के लिए कोई समस्या समस्या है ही नहीं भाई शिक्षा की आवश्यकता को आप लोगों की आवश्यकता बना दीजिए आप ठेकेदारी मत लीजिए हर आदमी के बच्चे को पढ़ाने की क्लियर है उसी तरह से शौचालय बनाना घर बनाना हर बात की ठेकेदारी अपने मत मत लीजिए उनको मोटिवेट करिए कि वो अपना घर बना लें खुद बना लें ठीक है ये चीज रोजगार देने की ठेकेदारी खुद पर मत लीजिए उनको मोटिवेट करिए कि वो स्वरोजगार से जाकर के खुद और अपने साथ के चार लोगों को रोजगार दें अब उसके लिए आप फैसिलिटेटर के रूप में काम करिए आप उनको प्रशिक्षण का काम का करिए आप उनको पैसा देने का काम करिए ये सब काम करिए पूंजी देने का और वो भी पूंजी दीजिए ब्याज पर पूंजी दीजिए कैसे यानी आप मुफ्त का मत दीजिए मुफ्त का देंगे तब तो, तो उसकी आदत खराब हो जाएगा इंडस्ट्रियल कैपिटल उसके ऊपर कोई प्रेशर होना चाहिए कि भाई आप हमारा वापस कर दो चल जाएगा तो नहीं तो फिर डूब जाएगा तो कोई बात नहीं कंपनी डूब गई तो ठीक है कोई बात नहीं अदरवाइज हमारा पैसा हमें वापस करना मैंने हमारा पैसा हमें वापस करना ये होता है चलो लिख लिए इसको तो उसी में ये जो लिखा राज्यों वाला ये होता है उसके लिए वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन है और उसके पीछे लॉजिक क्या है क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट जो टैक्स है वो राज्यों से ही उठा के ले जाया जाता है तो इसलिए वित्त आयोग ने क्या किया हुआ है कि भाई एक रिकमेंडेशन उसका दिया जाता है कि भाई इस बास्केट में से आप सर्टेन परसेंटेज उठा के तो हाल की सरकारें क्या थी आप थोड़े दिन पहले तेरहवां बारहवां तेरहवां बी पढ़ के देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ अट्ठाईस परसेंट पैसे दिए जाते थे राज्यों को और इससे नुकसान क्या होगा राज्य हमेशा केंद्र के ऊपर निर्भर रहेंगे और हमेशा कटोरा लेकर घूमते रहेंगे कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो और रोज राज्य में स्ट्राइक होगा जो जो वहां के हर दो महीने पता चला कि चार चार महीने तक टीचर्स का स्ट्राइक है भाई सैलरी नहीं दिया पैसा ही नहीं होता था उनके पास आप देखोगे कई कई महीने आप कभी सुने हो पीछे दस साल में कि कभी किसी स्टेट में या कहीं पे मास लेवल पे स्ट्राइक हुआ हो कहीं कोई स्ट्राइक नहीं होता है हम लोगों ने देखा हुआ चार चार महीना स्कूल स्कूल में घास जम जाता था क्या है भाई सैलरी कई महीना से नहीं मिला स्ट्राइक हो गया सैलरी बढ़ाने को लेकर के या सैलरी लेने को लेकर के पैसा ही नहीं होता था एक ही झटके में वित्त आयोग ने क्या किया शायद चौदहवा वित्त आयोग था उसने उनतीस से बढ़ा के सीधे इसको बयालीस कर दिया भाई जो बास्केट है इस बास्केट है बयालीस परसेंट हिस्सा आपको राज्यों को देना पड़ेगा पंद्रह में बीता उन्होंने कहा कि ठीक है बयालीस देना पड़ेगा उसको उन्होंने क्या किया इकतालीस प्लस एक कर दिया एक जम्मू कश्मीर के लिए और इकतालीस बाकी राज्यों के लिए अभी भी बयालीस ही है इसका फायदा क्या हुआ अब राज्यों को जो पैसे जाते हैं केंद्र से जो पैसा जाता है वो अधिकार जाता है पहले क्या जाता था अधिकार के रूप में जाएगा 29 परसेंट और बाकी सब दया के रूप में जाएगा अब राज्य इनकी मर्जी पर निर्भर नहीं है वो अधिकार के अनुसार अपना विकास करते हैं तेरहवें या चौदहवें वित्त आयोग की बात है पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे एनके सिंह और अब सोलहवां वित्त आयोग का गठन किया जाना है ऑलरेडी उसका उसका इंफॉर्मेशन आ गया था न्यूज में भी सर्च करोगे गूगल में तो आ जाएगा तो सोलहवां वित्त आयोग का उस, उसका क्या रिकमेंडेशन आता है ये मैटर करेगा ठीक है फॉलो करिएगा उसको तो क्या लिखें आ, इसको दोनों का डिवीजन लिख लिए नीचे एक लाइन लिख लो एक सेंटेंस बस खाली लिख लो लिखो स्टेट शेयर डिटरमिन्ड, राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग के सुझाव पर निर्भर करता है स्टेट सेयर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग के सुझाव पर निर्भर करता है करता है बस उसी में लिख लो लिखो संपूर्ण सार्वजनिक वित्त देखो इंटायर पब्लिक फाइनेंस इंटायर पब्लिक फाइनेंस रेगुलेटेड प्रू फिजिकल पॉलिसी संपूर्ण सार्वजनिक वित्त राजकोषीय नीति से भी नियमित है इंटायर पब्लिक फाइनेंस रेगुलेटेड हां यूथ फिजिकल पॉलिसी ठीक है और हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति राजकोषीय या फिजिकल पॉलिसी Policy. ठीक है तो देखो एक्चुअली क्या है ये हेडिंग डाल दीजिए अब इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है राजकोष ठीक है तो फिजिकल पॉलिसी का संबंध किससे होता है इसका संबंध है इस राजकोष से हिंदी से ज्यादा क्लियर हो रहा है ध्यान रखना राजकोषीय नीति का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिसी जिसका संबंध किससे हो राजकोष से ठीक है पब्लिक इस चक्कर बोलते हैं पॉलिसी से कि इसका किससे हो जाएगा पब्लिक पब्लिक एस चक्कर सरकारी खजाना जिसको बोलते हैं उससे इसका संबंध होता है अब भारत में जाएंगे तो इसका एक लाइन नीचे लिख दो इसका संबंध राजकोष से है इट इज रिलेटेड विथ पब्लिक एस्चेकर पब्लिक एस्चेकर लिख लिए छोड़ दीजिए इसका संबंध किससे है राजकोष से से है और अंडरलाइन कर दीजिए राजकोष को और भारत में कितने राजकोष हैं राजकोष कर दीजिए और राजकोष के नीचे लिख दीजिए तीन पैर बना लीजिए ऐसा ही तीन पैर बनाइएगा थोड़ा लंबा हाँ राजकोष के नीचे तीन पैर बनेगा और एक के नीचे लिखाएगा संचित निधि कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड दूसरे के नीचे लिखाएगा लोक लेखा पब्लिक अकाउंट और तीसरे के नीचे लिखाएगा आकस्मिक निधि कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड अच्छा अब इसके बारे में सोचने लगे कि फिर आधी इधर बाएं साइड में बैठी हुई है इसको दिख नहीं रहा है यहां पे बैठा करना रोज क्या हाँ नहीं तो नहीं दिखेगा फिर बोलोगी कि समझ में नहीं आया जी फंड फंड, क्लास में स्ट्रगल करते रहती है तो उधर क्यों नहीं बैठती हो हिस्ट्री वाले सर भी पढ़ा रहे होंगे तब भी स्ट्रगल कर रही होगी ठीक है तो संचित निधि तीन अकाउंट हुआ कौन तीन खजाने हुए सरकार के कौन कौन से कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड देखो तो तीन अब होगा कि भाई तीन खजाने क्यों हैं भारत सरकार के तो तीन खजाने का अलग अलग नेचर है ठीक है ये एक ऐसा खजाना अच्छा इसका है आर्टिकल टू एक है आर्टिकल 2662 और ये है आर्टिकल 267 सिक्स सिक्स 267. टू सिक्स सिक्स टू टू सिक्स सेवन प्रोविजन है ये. और इसके नीचे लिख लो ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपोजिटेड इन इट केंद्र सरकार की समस्त आय जमा इतना छोटा सा सेंटेंस लिखिए केंद्र सरकार के ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपोजिटेड इन इट केंद्र सरकार की कौन सी आय बोल रहा हूं समस्त आय ऑल इनकम तो फिर बच क्या गया जब समझता इसी में आ गया तो बच गया कुछ और ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपोजिटेड माने जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स इनकम होंगे जितने भी इनकम आपने पब्लिक इनकम में देख रखा था वो सारा का सारा पैसा कहाँ जमा होगा यहां जमा होगा सारे टैक्स इनकम सारे नॉन टैक्स इनकम सारे कैपिटल इनकम बोरोइंग इनकम सब आकर के यहां जमा होता है माने बरसा का जितना पानी है सब आकर इसी तालाब में जमा होगा क्लियर है तो फिर यहां क्या जमा होगा इसमें लिख लो एक लाइन जैसे कई बार लोगों के पास आपके पास या गवर्नमेंट के पास भी ऐसे पैसे आते हैं जो उसके पास आते जरूर हैं लेकिन उसके होते नहीं हैं कई बार कोई पड़ोसी है मित्र है आके दे जाता है कि थोड़ा इसको रखे रहो मेरे पास रहेगा तो खर्च हो जाएगा वो पैसा आपके पास आया जरूर लेकिन वो पैसा आपका है नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत सारे पैसे हैं जो आते हैं लेकिन वो उसका होता नहीं है जैसे पीएफ का पैसा जो प्रोविडेंट फंड है भविष्य निधि का जैसे मान लो एक कोई इंप्लॉई है उसकी सैलरी से टेन परसेंट पैसा काटा गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसमें टेन परसेंट मिलाया गया दोनों मिलाकर कितना हुआ बीस परसेंट इंटू बारह बारह महीना हुआ हर महीने कटता है यह तो ये पैसे जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जमा होता है लेकिन ये पैसा है किसका एंप्लॉ का पैसा है ना ये उसको कब मिलेगा उतने दिन तक ये कहां रखा रहेगा कहां रखा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा कहां रखा रहेगा ठीक है यहां रखा रहेगा नहीं दूसरे का पैसा कभी आप बैंक खाते में जमा नहीं करते हैं किसी ने पैसा दिया हुआ है कोई चंदा का पैसा इकट्ठा हुआ जाके बैंक खाते में जमा करते हैं कभी नहीं जमा करते हैं कहीं किनारे पर घर में रख देते हैं वही किनारा क्या है लोक लेखा है सारे जो भी स्पेशल कोई फंड डिजाइन होता है बनता है रोड डेवलपमेंट फंड मिलिट्री विडोवर्स फंड ठीक है नेशनल इनोवेशन फंड नेशनल आ, नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड ठीक है जितना भी इस तरह का फंड बनता है वो सारे के सारे पैसे यहां जमा होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है जहां के लिए आया है वहीं चला जाएगा ये। क्लियर है तो जैसे पीएफ का प्रोविडेंट फंड सब पैसा यहां जमा होता है क्लियर है तो इसमें लिख लो एक लाइन दूसरों के पैसे मनी ऑफ अदर रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरों के पैसे जो केंद्र को प्राप्त को प्राप्त यहां जमा मनी ऑफ अदर रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिटेड इन इट और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है केवल कस्टोडियन का कोई पड़ोसी अपना बच्चा दे के गया कि भाई साहब इसको भाई भन जी इसको देखते रहना थोड़ी देर में ठीक है तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्चा फिर आपका हो गया वो आकर के अपना ले जाएगा क्लियर है तो ऐसे जो इनकम होते हैं उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2662 में प्रोविजन है क्लियर है तीसरे वाले में लो, संचित निधि से पैसा निकालकर जमा किया जाता है मनी टेकन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड डिपोजिटेड इन इट संचित निधि से पैसा निकालकर यहां जमा किया जाता है मनी टेकन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड डिपॉजिटेड इन संचित निधि से पैसा निकालकर यहाँ जमा किया जाता है जमा किया जाता है ठीक है पैसे आ गए तीनों में अब तीनों के नीचे लिखो पैसा तो आ गया खर्च कैसे होगा एक्सपेंडिचर कैसे होगा यहां पे, तो संचित निधि के नीचे लिखिए व्यय से पूर्व संसदीय अनुमोदन आवश्यक पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर एक्सपेंडिचर व्यय से पूर्व संसदीय अनुमोदन आवश्यक Parliamentary approval required before parliamentary approval required before expenditure. before एक्सपेंडिचर अच्छा क्या लिखें अच्छा दूसरे में लिखो तो इसमें क्या हुआ संचित निधि से एक रुपया भी खर्च करना है तो उसके लिए संसद से अनुमति लेना आवश्यक है मैंने व्यय से पहले इसमें लिख लो नो अप्रूवल रिक्वायर्ड कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं इसमें लिखेंगे बगल वाले में पब्लिक अकाउंट में नो no, क्या लिखें? नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड और इसमें लिख लो आकस्मिक विधि में राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय परमिशन क्या लिखे राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू तो मेक एक्सपेंडिचर परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू तो मेक एक्सपेंडिचर व्यय के लिए क्या लिखे राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय और उसके नीचे लिख दीजिए व्यय के बाद संसदीय अनुमोदन पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एक्सपेंडिचर क्या लिखे व्यय के बाद संसदीय अनुमोदन के बाद संसदीय अनुमोदन उसके बाद लिख लिए तीनों में अच्छा तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा दिख रहा है ठीक है कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है कंसोलिडेटेड फंड उसी के नीचे लिख लो कंसोलिडेटेड फंड के नीचे पूरा आप तीनों का एक लाइन लिख दीजिए इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आउट ऑफ दीज थ्री कंसोलिडेटेड फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक एस्टेकर इन तीनों में संचित निधि संचित निधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या लिखें तीनों में संचित निधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठीक है खजाना है लिख लीजिए उसमें लिख लो आरबीआई एक्ट उन्नीस आउट ऑफ दीज ठीक है पब्लिक क्या लिखे कंसोलिडेटेड फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड और उसमें लिख लो उसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई अधिनियम उन्नीस के अनुसार आरबीआई अधिनियम उन्नीस सौ चौतीस के अनुसार तीनों खजानों की देखरेख टू मेंटेन ऑल थ्री पब्लिक एस्चेकर तीनों खजानों की देखरेख की जिम्मेवारी आरबीआई की है टू मेंटेन ऑल थ्री पब्लिक एस्टेकर आरबीआई इज authorized. आरबीआई इज authorized. ठीक है फुल स्टॉप मैंने तीनों खजाने की देख रहे किसके द्वारा कहा जाता है ठीक है और उसी में नीचे लिख लो देखो संचित निधि से व्यय की संसदीय प्रक्रिया को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर संचित निधि से व्यय की संसदीय प्रक्रिया को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू मेक एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इज कॉल्ड बजटरी प्रोसेस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू मेक एक्सपेंडिचर फ्रॉम संचित निधि से व्यय की संसदीय प्रक्रिया को बजटीय प्रक्रिया कहा जाता है Parliamentary procedure required to make expenditure from consolidated fund is called budgetary procedure. उसमें लिख लो इसका उल्लेख संविधान में किया हुआ है। It has mention in Constitution. इसका उल्लेख संविधान में क्या लिखे इसका उल्लेख संविधान में इट हैज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और नीचे हेडिंग डाल दीजिए बजट की बजट की संवैधानिक समिध, प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर ऑफ बजट बजट की संवैधानिक प्रक्रिया और होमवर्क के रूप में पढ़ने का मन करे तो आप जो पढ़ के आएंगे वो होगा आर्टिकल 110, 111, कहीं एच डब्ल्यू लिख लीजिए एच डब्ल्यू एक सौ दस एक सौ दस एक सौ ग्यारह एक सौ बारह एक सौ तेरह एक सौ चौदह एक सौ पंद्रह एक सौ सोलह ठीक है टू सिक्सटी सिक्स और टू सिक्सटी सेवन